So my next example is find the smaller number. Find the smaller number by which 396 must be multiplied so that product become perfect square. Perfect square means in this question we number is given which is 396 और उसमें कुछ देर इज अ लैक ऑफ वन नंबर मीन्स हमें वो नंबर पता करना है जिस नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो फर्स्ट वी नीड टू डू फैक्टराइजेशन. तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो वी विल फैक्टराइज 396. टू से देंगे बिकॉज इट इज इवन नंबर. टू वन जै टू, टू नाइन जै एटीन, टू एट जै सिक्सटीन, अगेन टू नाइन जै एटीन, टू नाइन जै एटीन. नाउ इट इज डिविजिबल बाय थ्री. सो थ्री थ्री जै नाइन, थ्री थ्री जै नाइन, थ्री वन जै थ्री, थ्री वन जै थ्री. एंड 11 जो है वो 11 से ही डिविजिबल है. सो नाउ वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 396. तो हम क्या करेंगे फैक्टर को ऑर्डर में लिखेंगे. 396 इक्वल्स टू वी हैव 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11. राइट. जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होता है या स्क्वायर रूट भी जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं दो नंबर का पेयरिंग करते हैं. ये सिमिलर है तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया. बट यहाँ पर 11 जो है ये विदाउट पेयर है मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ अनदर 11 विच इज नॉट हेयर. ये हमने लिखा है मीन्स अगर ये 11 यहाँ होता तो ये भी एक पेयर बन सकता था. तभी भी तब क्या होता ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन जाता. तो मीन्स यहाँ पर किस नंबर की कमी है 11 की कमी है. सो व्हाट विल बी योर आंसर. इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर वन मोर नंबर इज रिक्वायर्ड. One more number is required, which is 11. Which is 11. So, we should multiply by 11 to 396 to make it perfect square. Make it perfect square means perfect square के लिए pairing होना बहुत ज़रूरी है. तो जितने हमें factor मिले वो 2-2 के उसमें हमें combination में मिलना चाहिए. Means ये 2-2 है, ये 2-3 है, but यहाँ पर 11 जो है वो 1 था. तो हमने क्या किया वो number find कर लिया कि अगर यहाँ एक और 11 होता था तो ये perfect square बन सकता था. ठीक है. So this is the simple question. Now similar question but division का. अभी हमने क्या किया what number should be multiplied. अब division का case भी तो हो सकता है कि कौन से number से divide करें to make it perfect square. So my next question is based on division. Another one is find the smallest number by which 9408 must be divided so that it become a perfect square. Right. So what we will do first? We will factorize 9408 by prime factorization method. So hum yahan kya karenge? Factors nikalenge. 9408.
इवन नंबर है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8, तो हम इसे 2 से डिवाइड देंगे. 2 फोर ज़ा 8, 2 सेवन ज़ा 14, 2 फोर ज़ा 8, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 4. 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 1 कैरी हो जाएगा. 2 फाइव ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 सेवन ज़ा 14, 2 सिक्स ज़ा 12. ये 2 से जाता जा रहा है बिकॉज अगेन इट इज़ अ इवन नंबर. 2 फाइव ज़ा 10, 2 एट ज़ा 16, 2 एट ज़ा 16. अच्छी बात है, अभी भी ये 2 से जा रहा है. 2 टू ज़ा 4, 2 नाइन ज़ा 18, 2 फोर ज़ा 8, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 सेवन ज़ा 14. अब यहाँ पर 7 आ गया है, मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो विल ट्राई बाय 3. 3 फोर ज़ा 12, 3 नाइन ज़ा 27. तो ये तो डायरेक्ट 7 से चला जाएगा, 7 सेवन ज़ा 49. सो नाउ वी हैव फैक्टर्स ऑफ 9, 4, 0, 8. द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. सारे फैक्टर्स मिल गए तो हम क्या करेंगे, इसको पेयरिंग कर लेंगे. पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पर 3 जो है वो सिंगल है, इसका पेयर नहीं है. मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर होता था 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर, बट ये क्वेश्चन डिवाइड का है. तो क्या होगा इसका आंसर, 3 शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम दिस नंबर, मीन्स हमें इसे हटाना होगा, इसका पेयर नहीं है तो इसे यहाँ से हटाना होगा. एंड टू रिमूव 3 फ्रॉम दिस फैक्टर्स वी नीड टू डिवाइड, तो हमारा आंसर होगा 3 शुड बी डिवाइडेड. हम मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आप लिख सकते हैं. 3 शुड बी डिवाइडेड टू दिस नंबर 9, 4, 0, 8 टू मेक इट परफेक्ट. लास्ट में जैसे हमने लिखा ऑलमोस्ट वैसा ही हमें लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर. बस मल्टीप्लाई और डिविजन में क्या डिफरेंस हुआ इन क्वेश्चंस में, कि मल्टीप्लाई में वी नीड टू मल्टीप्लाई अनदर 3, मींस एक 3 हमें और लेके आना होगा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा. बट इन डिविजन इस 3 को हमें हटाना होगा यहाँ से, और हटाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 3 का डिवाइड देना होगा. ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल थे बट बहुत ज़रूरी थे, जिसमें डिविजन और मल्टीप्लीकेशन का केस था. अब मैं एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रही हूँ जो अभी तक हमने नहीं लिया है. इट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिए. फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8, 9 and 10. मीन्स यहाँ पर नंबर नहीं दिया है हमें, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड नंबर 9, 4, 0, 8 और 360 और वॉट एवर, बट इन दिस केस दे हैव गिवन 3 डिफरेंट नंबर एंड वी नीड टू फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर नंबर. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लीस्ट जहाँ भी आता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम. तो हमें 8, 9 और 10 का क्या निकालना होगा, एलसीएम. तो आपको ऑलरेडी आता है एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 विल बी 360. ठीक है, कितना आएगा एलसीएम 8, 9 और 10 का, 360. अब हम 360 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे. 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, 0, 2 नाइन ज़ा 18, 0, 2 45 ज़ा 5, 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो हमारा नंबर क्या बन चुका है आफ्टर एलसीएम, 360. 360 को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, लाइक सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर हमने उसको फॉलो किया. अब हम क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं. ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये 3 की पेयरिंग हो गई,
ये नंबर यहाँ पर विदाउट पेयर है, यहाँ पर एक टू मिसिंग है एंड एक फाइव मिसिंग है, मीन्स टेन. फाइव और टू को हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो टेन. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, नंबर इज टेन. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. सिमिलरली जो हमने अभी किए उसी तरह से क्वेश्चन था, बट यहाँ पर नंबर नहीं था. क्वेश्चन में जो नंबर रहते हैं वो नहीं था, उसकी जगह पर हमें क्या दे दिया था, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल ईच वन ऑफ दिस. तो हमने इन तीनों का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाला. एलसीएम निकाल के हमारा क्वेश्चन बना है, कन्वर्ट हुआ है, और फिर उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स फाइंड किए हैं. ठीक है, सो गाइज वी सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. उसमें ज़्यादातर हमने जो यूज़ किया दैट वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. ठीक है, क्योंकि हमें जो सम मिले थे वो थोड़े छोटे होते थे. लाइक अब नंबर्स हमने इंक्रीज कर दिए, देन हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो वी विल यूज अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैथड विच इज़ नोन एज लॉन्ग डिविजन मैथड. बट बिफोर स्टार्टिंग लॉन्ग डिविजन, एक क्वेश्चन मैं ऐसा लूंगी जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करूंगी और फिर उसको मैं लॉन्ग डिविजन से भी बताऊंगी. तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इजी, बट वो कब यूजफुल है, जब सम हमारा टू डिजिट या थ्री डिजिट तक का हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वीनियंट है. बट अगर डिजिट जो है वो 5 लाख में है, करोड़ में है और ज़्यादा बड़े हैं, तब हमें लॉन्ग डिविजन मैथड को ही फॉलो करना होगा. तो नाउ आई एम टेकिंग लॉन्ग डिविजन मैथड विच इज़ वेरी न्यू टू यू, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए. एंड लॉन्ग डिविजन मैथड इज फॉर टू फाइंड द स्क्वेयर रूट, राइट. बट उससे पहले हम वही पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से करेंगे. लाइक आई एम टेकिंग नंबर 784 और इसका मुझे स्क्वेयर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, जब तक हमें लॉन्ग डिविजन नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे. 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, and 7 1 7. So finally your factors are 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7. टू फाइंड द स्क्वायर रूट आप क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं. ठीक है, पेयर करके उनमें से एक ले लेते हैं. इन दो टू का हमने एक टू कंसिडर किया, यहाँ भी हमने एक टू कंसिडर किया, एंड यहाँ दो सेवन है तो हमने उनका एक सेवन ले लिया. 2 2 4 7 28. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28. अब आपको आंसर तो पता चल गया है, बट ये हमने कौन सी मेथड से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से. क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था तो हमें फैक्टर्स निकालना थोड़ा इजी था, बट अब यही नंबर जो है वो लैक्स में करोड़्स में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें दूसरा मेथड पढ़ना होगा विच इज नोन एज लॉन्ग डिविजन मेथड. बिफोर स्टार्टिंग लॉन्ग डिविजन मेथड, कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी जो आपको याद रखना है. लाइक 784 है, हम सबसे पहले यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे. यूनिट प्लेस से हम पेयरिंग करेंगे दो दो नंबर की. तो ये यूनिट प्लेस हो गई, यहाँ से हमने पेयरिंग की दो नंबर की. अब बाई चांस यहाँ पर एक ही है तो हम उसे एक ही रहने देंगे क्योंकि उसके लिए कुछ है नहीं, या हम उसे पेयरिंग करने के लिए जीरो भी लगा सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू पुट जीरो देन यू कैन पुट, अदरवाइज ये सिंगल भी रह सकता है. ठीक है, ये जो हमने पेयरिंग करी, इस हर पेयरिंग को हम बोलेंगे पीरियड. मीन दिस इज अ पीरियड, दिस इज अ पीरियड, राइट. जरूरत नहीं है आपको इतना ज़्यादा याद रखने की, हमें यूनिट प्लेस से पेयरिंग करना है. हम कोई बड़ा नंबर ले लेते लाइक हमारा ये, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये सिंगल बचा है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है या टिप है, आपको इसे याद रखना है कि जो भी नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसकी हमें यूनिट प्लेस से पीरियड्स निकालने होंगे या पेयरिंग करना होगा. सो माई क्वेश्चन इज 784, जिसका रूट आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 28. अब हम उसे क्या लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है,
यहां पर जो नंबर बचा है, ये सिंगल हो, डबल हो, जो भी हो, नंबर ऐसा चूज करेंगे कि जो नंबर यहां लिया हम वो भी यहां भी वही लेंगे। डिवीजन में हम क्या करते हैं, लाइक आई हैव सेवन, है ना, तो हम टू थ्री या सिक्स कर लेते हैं, ऐसा नंबर चूज करते हैं कि सेवन आ जाए या सेवन से लोएस्ट नंबर आ जाए और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिवीजन में हम ऐसे ही करते हैं, राइट, बट इन दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ऐसा नहीं करेंगे। जो नंबर हम यहाँ लेंगे वही हमें यहाँ भी लेना होगा, ठीक है। टू टू ज़ा फोर, तो आप कहेंगे मैम थ्री भी तो ले सकते हैं, तो आप थ्री लीजिए, तो थ्री थ्री ज़ा पर नाइन हो जाएगा और नाइन इससे बड़ा है, तो बड़ा हम कभी भी डिवीजन में लेते हैं क्या? नहीं। तो हम वही नंबर लेंगे यहाँ पर जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होना चाहिए और इस ओरिजिनल नंबर से लेसर या इक्वल होना चाहिए। दो डिवीजन का जो रूल होता है वही रूल रहेगा, बट डिवीजन में हम कोई भी नंबर लेते हैं, लाइक आई हैव 11, तो हम क्या करते हैं थ्री कुछ और ले लीजिए, लाइक आई हैव 15, 16 कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे थ्री फाइव ज़ा 15, राइट। बट लॉन्ग डिवीजन में आप क्या करेंगे, 16 है तो आप ऐसा नंबर चूज करेंगे जो मल्टीप्लाई वही नंबर करने से या तो इसके इक्वल आ जाए या कम आए, ठीक है। तो ये स्टेप को आपको ध्यान रखना है। तो पहली स्टेप क्या हुई, यूनिट प्लेस से पेयरिंग करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर दी है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि जो भी हमारा यहाँ पर अब नंबर है तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे कि उसके इक्वल आ जाए या उससे छोटा। लाइक यहाँ मैं थ्री लेती और यहाँ भी थ्री लेती तो थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाता जो सेवन से बड़ा होता, तो हमने क्या किया टू लिया, टू टू ज़ा फोर, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दिया। पेयर है तो हमने इस पेयर को पूरा यहाँ पे पेयर की पेयर कॉपी होगा, मीन्स पीरियड की पीरियड पूरा कॉपी होगा, ठीक है। अभी तक हमने कोई न्यू स्टेप नहीं किया। लॉन्ग डिविजन में हमें यहाँ पर भी कुछ करना होगा। अब वो ध्यान से सुनिएगा, वो स्टेप क्या होगा, जो नंबर से हमने डिवाइड किया टू टू ज़ा किया तो वही टू यहाँ प्लस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फोर, जो हम डिवाइड में नहीं करते थे यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। जो भी हमने यहाँ नंबर चूज किया उसी नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वही सेम नंबर यहाँ ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो अब हमारा नंबर क्या बन चुका है, फोर। अब इधर जो हमें नंबर लाना है दैट इज 384। ऐसा नंबर चूज करेंगे यहाँ पर हम जो भी लेंगे, लाइक आपने वन लिया तो यहाँ भी आप क्या लेंगे, वन लेंगे, तो 41 वन ज़ा 41 हो जाएगा। आपने कहा नहीं मैम हमें टू लेके देखना है, तो आप यहाँ टू लेके देखीजिए, 42 टू ज़ा हो जाएगा 84, बट हमें 384 लेके आना है, 384 या उससे कम, जो डिवाइड का रूल होता है। तो हम फोर के आगे ऐसे नंबर चूज करेंगे जो सेम मल्टीप्लाई करने से आइदर वी विल गेट 384 और उससे कम, तो 48 लेंगे हम, 8 लिया यहाँ पे हमने तो यहाँ भी 8 लिया, 48 एट ज़ा होता है 384। सब रिमाइंडर हो गया ज़ीरो, जब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 28। द स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। थोड़ा सा अभी टफ लगेगा बट हम जब ये 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अनदर क्वेश्चन, अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, पेयरिंग बनाएंगे जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। सिंगल बचा है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, या तो आप जीरो लगा लें या उसे एज इट इज रहने दें, सिंगल भी चलेगा, बट यूनिट प्लेस से जितने भी आएंगे उनकी हम दो दो की पेयरिंग करेंगे। उसके बाद हम नंबर ऐसा चूज करेंगे जो यहाँ लेंगे वही हमें यहाँ भी लेना है और वही हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने पे यह नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जब हम फोर के साथ जो नंबर लेंगे, जो भी यहाँ पे हम नंबर सोचेंगे वही हमें यहाँ भी लेना है। रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं हो जब तक हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो रूट निकालने के लिए हमें रिमाइंडर जीरो तक सॉल्व करना होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन इज 16384। सबसे पहली बात तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी चाहे तो कर सकते हैं, बट काफी लंबा है तो बहुत लंबा फैक्टराइजेशन जाएगा, तो व्हाट यू विल प्रेफर, लॉन्ग डिविजन मेथड।
इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। बना ली, ये सिंगल है, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है 16384। यूनिट प्लेस से हमने पीरियड्स बना दिए और नंबर कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करेंगे कि वन आ जाए, तो ऑब्वियस है वन कब आएगा, वन वनजा वन के केस में ही वन आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो आ गया। जो वन वनजा किया हमने उसे ऐड करना है, जैसा मैंने आपको बताया, तो हमने यहाँ उसे ऐड कर दिया। नाउ माय न्यू नंबर इज टू, ये प्लेस यहाँ पर वैकेंट है। पेयरिंग में ही कॉपी होगा तो 63 पूरा एज इट इज कॉपी होगा, जबकि हमारे डिवीजन में क्या होता है, लाइक हमें डिवाइड देना है इसे 3 से, तो 3 9 27, अब 1 बचा, तो अगले स्टेप में 1 कॉपी होगा, है ना, मतलब एक एक नंबर कॉपी होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, दो दो नंबर पेयर की पेयर कॉपी होगा। अभी हमने 63 कॉपी कर लिया। अब हम ऐसा नंबर यहां सोचेंगे जो यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। फिर से एग्जाम्पल ले रहे, तो लाइक आई एम टेकिंग 1, तो मैं यहां भी क्या लूंगी 1, तो 21 वनजा 21 हो जाएगा, बट हमें 21 नहीं चाहिए, तो हम 2 लेके देखेंगे, 22 टूजा क्या हो जाएगा 44। हम और ट्राई करेंगे तो हम 3 ट्राई करेंगे, 23 थ्रीजा तो कितना हो जाएगा 69, जो बड़ा नंबर आ जाएगा। डिवाइड में हम बड़ा नंबर लाते हैं क्या, नहीं, तो हमें क्या लेना होगा 22, तो यहां भी हमें क्या लेना होगा 2, राइट। मैंने एक एक नंबर आपको लेके बताया कि हमने 1 लिया तो बहुत कम है, हमने 2 लिया तो भी कम है, पर 3 लिया तो ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा तो हम कभी डिवाइड में नहीं लेते हैं, माइनस कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा 22 टूजा 44। सब्ट्रैक किया हमने, सब्ट्रैक करने पे आया 19। जैसा मैंने आपको बताया पेयर की पेयर कॉपी होगा, तो हमने कॉपी कर लिया और जो हमने नंबर लिया वो यहाँ ऐड होगा, तो नाउ इट विल बिकम 24। अभी भी हमारा डिवीजन कंटिन्यू होगा क्योंकि बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगेन हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहाँ लिखें और यहाँ लिखें और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए या इससे कम। लेट से आपने कहा मैम हम 1 लेना चाहते हैं, तो अब यहाँ 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे, सो दिस इज 241 वनजा 241, तो अभी तो बहुत बड़ा ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ 2 लेके देखेंगे, 3 4 5 6 ऐसे हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। लाइक हमने 6 लिया तो यहाँ भी 6 लेना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 लेंगे तो हमें 7 लिखना होगा, यहाँ भी उन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 8 पे जाके स्टॉप होगा, 248 एटजा होता है 1984। ठीक है, मेरे पास तो रिजल्ट है तो मैंने लिख दिया है, बट आपको ऐसा मल्टीप्लाई कर करके देखना होगा। सो फाइनली 248 एटजा पे आपका आया है 1984। ऑब्वियस है इनमें कम आएगा, तो जब तक डिवीजन का रूल फॉलो हो रहा है जब तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 248 एट जा दिस और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। सो योर आंसर इज 128। क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो योर आंसर इज 128, यानी आप लिखेंगे 16384 का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू 128। ठीक है, स्टेप्स आपको अगर याद हो जाएंगे और हम क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद ऐसे नंबर चूज करेंगे जो यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वही सेम नंबर ऐड भी करेंगे। अनदर इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10609। देखिए अब अगेन ये बड़ा सा नंबर है, तो इसको हम अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम यही मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे। क्या बनाएंगे इसके हम, पेयर पेयर, और ये बच गया सिंगल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये याद रखना है तो पहले ही करना है। नाउ 1 लाना है तो हम 1 से ही देंगे, 1 1 1 माइनस हो गया, सिमिलरली 1 यहाँ प्लस हो गया। स्टेप्स आपको याद करना होगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0।
नाउ कॉपी क्या होगा, पूरा पेयर, तो 06 आपका कॉपी हो गया. दो इट इज 006, बट इसकी अगर न्यूमरिक वैल्यू देखें तो ये केवल 6 ही है. यहां पर 2 आ चुका है, आप मिनिमम 1 भी लेंगे तो 21 हो जाएगा, जो 6 से बड़ा होगा. और डिवीजन में हम कभी बड़ा लेते हैं क्या? नहीं, हमें हमेशा वही नंबर या उससे एक छोटा नंबर लाना होता है. तो हम यहां पर एक और पेयर को अभी की अभी कॉपी करेंगे. बट हम ऐसे कैसे कॉपी करेंगे? डिवीजन का रूल होता है, जब दो नंबर एक साथ कॉपी होते हैं तो हमें एक जीरो लगाना होता है. ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करती हूँ, जब हमने जीरो नहीं लगाया था तो यहां पर हमें कुछ भी लेना था, लाइक हम वन मिनिमम होता है तो 21 वनजा करते तो हमें 21 आ जाता. तो हम 6 - 21 कैसे लिखते? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 6 छोटा है, 21 बड़ा है. तो हमें एक नंबर और कॉपी करना पड़ा, और वो यहाँ पर तो पेयर में ही कॉपी होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पेयर हैं. जब हमने 09 को कॉपी किया तो वी नीड टू पुट 0 हेयर, सेम लाइक डिवीजन. डिवीजन में भी कुछ हम ऐसा ही करते हैं कि जब हम एक साथ कुछ और कॉपी करते हैं तो जो भी हमारा लाइक 2 चल रहा था तो उसके आगे हमें 0 लगाना होता है. करते हैं हम ऐसा, तो सेम यहां पर भी हमें ऐसा ही करना होगा. अब हमारा ये नंबर बन चुका है, दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज एक्चुअली 609. अब यहां पर हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहां भी हम लिखें और यहां भी लिखें, और उनको मल्टीप्लाई करने से वो बन जाए, सॉरी, जीरो यहां लगाए तो हमें यहां भी लगाना होगा ना. ठीक है, जो यहां लिखते हैं वही हम यहां भी लिखते हैं. अब हम ऐसा नंबर चूज करेंगे, जैसे हमने 3 लिया तो 203 3 609, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, एक बार फिर से इसको बताती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जीरो ज्यादा होने से. हमने पेयरिंग बना ली, पेयरिंग बनाने के बाद हमने सबसे पहले तो 1 से दिया क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, और सिमिलरली यहाँ 1 हमें ऐड करना ही पड़ा जो आया 2. ठीक है, अब हमने 06 कॉपी किया, एक्चुअली इट इज 06 बट नंबर की वैल्यू देखें तो इट इज ओनली 6, जो बहुत ही छोटा नंबर है. यहाँ हम मिनिमम जो भी लेंगे तो वो मल्टीप्लाई करने से इससे बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को भी कॉपी करेंगे. जब हमने इस पेयर को कॉपी किया तो हमें एक जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो यहाँ भी करना होगा. अब हमारा नंबर बन चुका है 20, और यहाँ पर एक प्लेस वैकेंट हो गई. यहाँ जो नंबर लेंगे वही हमें यहाँ लेना. लेट से मैंने यहाँ 1 लिया तो आप यहाँ भी क्या लेंगे, 1 लेंगे. 201 आएगा. आप कहेंगे नहीं मैम 2 ट्राई करते हैं, तो 202 204 आएगा. तो मुझे क्या लेना होगा ये लाने के लिए, 3. तो मुझे यहाँ भी क्या लिखना होगा, 3. 203 3 609, एंड रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो हमें तब तक इसे सॉल्व करना होता है. सो द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या क्वेश्चन था आपका, 10609 is 103. ये जीरो क्यों लगाया है ये मैं अगेन आपको रिपीट करूंगी. डिवाइड में भी अगर हमें कोई नंबर कॉपी करना होता है, लेट से कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ मान लीजिए हमने 11 से देना है. सबसे पहले हमें 11 से देना है, पहले तो हम पेयर लेते हैं 10, 10 छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर लेंगे. 11 9 99. अब यहाँ पर आप 1 बचा, यहाँ कुछ और ले लीजिए, 0 ले लीजिए और 1 ले लीजिए. अब हमें ये 0 कॉपी करना होगा. ठीक है, अभी भी ये छोटा है, 10 में 11 का डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा. तो हमें इस 1 को कॉपी करना होगा. जब हम इस 1 को यहाँ कॉपी करेंगे तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, क्योंकि हम दो नंबर एट ए टाइम कॉपी नहीं करते, हम 1 by 1 ही करते. डिवीजन में भी आप यही करते हैं कि नहीं? यस. अब आप इसको आगे डिवाइड देते हैं, 11 9 99, और 2 जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाता, और आप चेक मेथड के थ्रू इसे चेक भी कर लेते. तो ये जीरो का कॉन्सेप्ट हम जो डिवीजन में अप्लाई करते हैं वही का वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, कि हमने एक पेयर तो नॉर्मल में हम कॉपी करते हैं, अब एक पेयर के बाद भी वो नंबर छोटा है तो हमें क्या करना हुआ, दो पेयर कॉपी करना पड़े. जब हमने दो पेयर कॉपी किए तो हमने यहाँ पर एक जीरो पुट किया, और वही जीरो हमने यहाँ भी पुट किया, क्योंकि जो हम यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं वही ऊपर भी कर रहे हैं. ठीक है,
सो ये था 10609 का स्क्वायर रूट.